कहीं पर भी किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी हायर अथॉरिटी के अंदर उसकी सुनवाई नहीं होती है, वो मायूस हो जाता है। तो फिर वो इंसाफ की तलाश में एक वकील की तरफ चलता है कि शायद अब कोई मुझे ऐसा वकील मिल पाएगा जो। दोस्तों, गुलाम आजम को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों, अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, बजाते रहो न्यूज़ चैनल पर अभी कुछ टाइम पहले मोमिन मलिक साहब का ये वीडियो आया था, जिसमें मोमिन मलिक साहब ने गुलाम हैदर के बारे में और सीमा हैदर के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको वहीं पर सभी लोगों को बता दें, जो मोमिन मलिक साहब हैं वो गुलाम हैदर के वकील हैं इंडिया से, और इंडिया से वकील हैं। उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को वापस ज़रूर मिलेंगे, और सीमा हैदर जो है हमारे भारत में इलीगल तरीके से आई हुई है वो भी पाकिस्तान में जाएगी अपने बच्चों के साथ में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और जितने भी गुलाम हैदर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है, ये वीडियो जो है वो और लोगों तक भी पहुँच सके। कर रहे हैं और पुरानी जो वीडियो थी उसको हमने एंड कर दिया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मोमिन मलिक साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, पूरी भजाते रहो भारत की टीम आपका स्वागत कर रही है। थैंक यू, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे होस्ट किया। बहुत ही खास वीडियो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सुनने के लिए आपके चैनल पे मौजूद हैं। जी सर, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सभी को मैं बता दूं कि मोमिन सर ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल के दौरान वो अपनी गाड़ी रोक कर उन्होंने हमें कुछ वक्त दिया है, तो ज़्यादा वक्त हम नहीं ले पाएंगे। तो मैं बस शुरुआती जो सवाल है मेरा वो ये है कि ये गुलाम हैदर का जो केस है जो आपने उठाया है, मैं जानना चाहूंगी कि इस केस को उठाने के पीछे सर आपका कारण। सबसे बड़ा कारण तो मैडम इंसानियत है। जी देखिए जी, मोमिन मलिक साहब ने बहुत ही खास अपडेट दिया है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। के मेरे इस तजुर्बे में मैंने जिंदगी को जिया है, लोगों के साथ जिया है, उनके दुख दर्द के साथ जिया है, क्योंकि जब वकील की जरूरत इंसान को कहां पड़ती है, वकील की जरूरत इंसान को वहां पड़ती है जहां वो कहीं पर भी किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी हायर अथॉरिटी के अंदर उसकी सुनवाई नहीं होती है, वो मायूस हो जाता है। तो फिर वो इंसाफ की तलाश में एक वकील की तरफ चलता है कि शायद अब कोई मुझे ऐसा वकील मिल पाएगा जो मेरे दुख मेरे दर्द को समझ पाएगा और मेरे लिए कानूनी रूप से अब अदालत का ही रास्ता रह गया है, तो उस अदालत में मेरे ग्रीवेंस को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को वो रख सकेगा। तो फाइनली वो एक वकील की तरफ चलता है। तो मुझे मैं आपको बता दूं कि अंसार बरनी साहब जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे हरियाणा के एक नेवी में थे, तो वो सोमालिया के लुटेरों ने उनको भी किडनैप। आज की इस वीडियो में तो बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बताई गई है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। जी, तो वो नेशनल लेवल के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और कमाल के आदमी हैं, और वो बहुत ही कभी वो हिंदुस्तान को के ही वो रहने वाले थे, हिंदुस्तान की सरजमीन को अपना मातृभूमि वो समझते हैं उनके पूर्वजों के टाइम से। तो मेरे अच्छे मित्र हैं, भारत में कई बार आए, तो गीता को मैं जो गीता के लिए मैंने जो कराची जा करके जो ह्यूमन राइट कोर्ट में केस फाइल किया था और कोर्ट से मैंने ऑर्डर करा करके पाकिस्तान सरकार को दिए थे और भारत सरकार को भी दिए थे, उसके बाद गीता आप आई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया था वहाँ। काफी टाइम के बाद मोमिन मलिक साहब का मुख्य आया है और उन्होंने खास जानकारी बताई, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं तो इसको हैदर को जानता नहीं, मैं तो सीमा को भी मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, एक आध मैंने न्यूज पढ़ते हुए अचानक से सामने आ गई तो मैंने पूरी खबर उसको पढ़ा नहीं। जी, समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने उसको कभी सीरियस नहीं लिया, ना मैं उसको जानता, ना मेरा उससे कुछ लेना देना। एक इंसानियत के नाते मुझे अंसार बरनी साहब ने रिक्वेस्ट की, फोन किया कि जी हम चाहते हैं कि भारत में आप इनका केस लड़ें, और अगर आप बताइए कि क्या आप बिजी हैं या आप कर सकते हैं ऐसा,
तो मैंने कहा मैं अगर बिजी, तो मेरा शेड्यूल बहुत है इस वक्त में, एक एक दिन में पता नहीं कितने कितने केसेस अलग अलग होते हैं, तो मैंने कहा बिजी तो हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी बात को मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप भारतीय कैदियों के लिए, जो कि भारत के बहुत सारे कैदी जो पाकिस्तान की जेल में, तो एक यही आदमी एक ऐसा है कि वहां उनकी उनके लिए काम करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नेटवर्क इश्यू है, मैंने आपको बताया। वेट करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर वो अपनी गाड़ी रोक लें, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि नेटवर्क इशू आएगा, तो अभी वो चले गए हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि मलिक सर, आप एक बार फिर से ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह जी गई है। अभी हमारे सवाल बहुत सारे हैं, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। सिंस यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी देर अपनी गाड़ी साइड में रोक लें, सो दैट हम 10 मिनट ही बात करें, लेकिन आपको खुल के सुन पाएं।